महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और पांडवों ने पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया, तब उनका बच्चा तो बुरा हो गया। लेकिन इस दौरान पांडवों ने अपने गुरु को, अपने भाइयों को और अपने बहुत से प्रियजनों को खो दिया था। भले ही पांडवों ने धर्म की तरफ से युद्ध लड़ा और अपने प्रियजनों की मृत्यु का पाप तो उन्हें लगा ही था, और इस पाप से मुक्ति के लिए पांडवों ने जब भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा, तब श्री कृष्ण ने बताया उन्हें इस पाप से सिर्फ महादेव ही बचा सकते हैं। और यह सुन सभी पांडव द्रौपदी के साथ भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। लेकिन पांडव जहाँ कहीं भी जाते उससे पहले ही भगवान शिव वहाँ से निकल जाते, क्योंकि भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। और भगवान शिव को ढूंढते हुए पांडव केदार पहुँच गए, और शिव ने जब पांडवों को केदार में देखा तो उन्होंने एक बेल का रूप ले लिया और पृथ्वी के अंदर जाने लगे। भीम यह समझ गए थे कि यह कोई बेल नहीं, महादेव। तो भीम ने जाकर इस बेल के कुमड़ वाले हिस्से से उसको पकड़ लिया। तब पांडव महादेव से विनती करने लगे कि हमें इस पाप से मुक्त कर दीजिए। तब पांडवों की इस भक्ति भावना से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनको पाप से मुक्त किया। और यह घटना जिस जगह हुई हम आज उसको केदारनाथ कहते हैं।